वेलकम अगेन। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। जो क्या हमारा आज का टॉपिक है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में देखेंगे हम। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होती है, वो जो होती है जहाँ पर हमारे 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 प्रोग्राम में कुछ कंडीशंस होती है कि क्या होना है नेक्स्ट पे, क्या होना है और क्या नहीं होना है। ठीक है, सपोज हमें घर से कॉलेज जाना है, तो इफ यू गेट अ लिफ्ट तो विल गो, इफ यू डोंट गेट अ लिफ्ट वी डोंट गो। ठीक है, तो ये कंडीशन है। या अगर सपोज आज संडे है तो आज नहीं जाना, अगर आज संडे नहीं है, आज कोई हॉलीडे नहीं है तो आज कॉलेज जाएंगे, तो एक कंडीशन है। तो हमारी जो डेली लाइफ होती है, डेली रूटीन लाइफ होती है, उसमें डिफरेंट कंडीशन होते हैं। ठीक है, वो सब जब हमारे कुछ हम काम अपना कोई ऑटोमेट करते हैं, ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो उसमें भी हम ये कंडीशन यूज करते हैं। और मोस्ट ऑफ जो कंडीशन है, मोस्ट हम हमारे जो प्रोग्राम की जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं, जो भी हम एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर बनाए के बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बनाए, उसमें जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो यही कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में डिफरेंट कंडीशन होती है। सो फर्स्ट ऑफ जो कंडीशन है वो है इफ, इफ स्टेटमेंट। इफ कंडीशन जिसे हम बोलते हैं इफ स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग कंडीशन स्टेटमेंट दैट इफ ट्रू ट्रू परफॉर्म्स अ फंक्शन और डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन। यानी एक स्टेटमेंट होता है, हमें एक कंडीशन होती है, अगर ये ट्रू है तो कोई काम हम करते हैं, तो परफॉर्म एक फंक्शन करते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ प्रिंट करते हैं या जो भी हमें काम करना हो, जिस तरह का हमारा प्रोग्राम हो, जैसा भी हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे, प्रोग्राम बना रहे हो, तो कभी हम कोई काम करेंगे, कभी कोई डिस्प्ले मैसेज करेंगे, कोई कोई साउंड या कुछ और चीज। ठीक है, तो इस पे एक स्टेटमेंट है कि इस पे एक कंडीशन होती है, तो कंडीशन अगर ट्रू है तो हम ये काम करते हैं। ठीक है, तो इज यूज टू इफ स्टेटमेंट यूज टू चेक सम गिवन कंडीशन। हमारे पास एक गिवन कंडीशन, पहले से ही कंडीशन डिफाइन होती है, तो इस पर हम कुछ ऑपरेशन करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। कि अगर हमारी कंडीशन जो है, जो गिवन कंडीशन दी गई है कंडीशन, कि अगर वो ठीक है, अगर वो ट्रू है तो हम कुछ काम करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम कुछ सपोज कुछ और काम करेंगे या जो काम होना है उसको छोड़ देंगे। तो इफ में जो कंडीशन आती है वो बूलियन है। बाई बूलियन यानी इसका जो आउटपुट होगा, इस कंडीशन का आउटपुट जो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। सो ट्रू में हम कुछ करते हैं और फॉल्स में हम कुछ और करते हैं। ठीक है, इफ स्टेटमेंट इवॉल्व विद द टेस्ट एक्सप्रेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस। तो इफ में एक्चुअली होता, हम लिखते हैं, हम इसका सिंटेक्स भी देखेंगे। तो इफ में एक्चुअल में एक पैरेंथेसिस हमें हमारे पास होती है। ठीक है, हमारे पास पैरेंथेसिस होती है, तो ये जो पैरेंथेसिस है, ऐसे पैरेंथेसिस हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक टेस्ट होता है, एक टेस्ट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टेस्ट एक्सप्रेशन इवॉल्वेट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो है टेस्ट एक्सप्रेशन इवॉल्वेट होता है, तो उसका आंसर या ट्रू आएगा, क्योंकि अब मैंने बोला वो बूलन है, या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, तो दो ऑप्शन इसके आ सकते हैं, आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो अगर ट्रू, इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, अगर वो ट्रू आ गया, ठीक है, अगर वो ट्रू आता है, द स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी ऑफ इफ आर एग्जीक्यूटेड। तो इफ की बॉडी में जो, इफ की बॉडी में सपोज दिस इज द बॉडी ऑफ इफ, बाय बॉडी वी मीन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट्स होंगे, कुछ कोड लिखा होगा इफ की बॉडी में, यानी कुछ कोर कोड है इफ के साथ जो रिलेट है। ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है, यानी उस पर वो काम हो जाता है, उसमें जो काम हमें करना है तो वो हम करते हैं। इफ टेस्ट एक्सप्रेशन, अगर ये टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे जो भी हमने किया है काम, एक्सप्रेशन कंडीशन जो है, अगर वो फॉल्स आती है हमें, अगर वो हमें फॉल्स आ गई, स्टेटमेंट इन साइड इफ बॉडी आर नॉट एग्जीक्यूटेड, तो इफ की बॉडी में जो स्टेटमेंट थे वो हम एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, फिर हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है इफ में। ठीक है, वन इज या ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू है, इफ वी हैव ट्रू, अगर हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू आ गया, ठीक है, ठीक है, क्योंकि पैरेंथेसिस में हम लिखते हैं कंडीशन, अगर ये कंडीशन का वैल्यू हमें ट्रू आ गया, तो इफ की बॉडी में जो हमने स्टेटमेंट्स लिखे हैं, जो कोड लिखा है, वो एग्जीक्यूट होगा। अगर वो फॉल्स आ गया, ठीक है, तो जो कोड हमने लिखा है स्टेट इसकी बॉडी में, वो एग्जीक्यूट नहीं। तो ये दो मेन कंडीशन हमारे पास होती है इफ में। ठीक है, तो यहां पर एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है।
एक्सप्रेशन इज ट्रू, यहाँ पर एक्सप्रेशन ट्रू और यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉल्स, पहले ट्रू पे आएंगे। क्या एक्सप्रेशन है? इट टेस्ट इज कॉल्ड फाइव। इट एक वेरिएबल, एक टेस्ट है, इंटीजर वैल्यू है, इसमें फाइव है वैल्यू, ठीक है, इसमें वैल्यू जो है फाइव। अब ऐसे लिखते हैं, ये एक ऐसे लिखते हैं, हमारे ये सिंटैक्स है, कैसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं, फिर मैंने बोला पैरेंथेसिस, हमारे पास ये दो पैरेंथेसिस है, तो इसके अंदर इसने लिखा है टेस्ट लेस देन टेन। टेस्ट जो है, टेस्ट में वैल्यू फाइव है, तो फाइव लेस देन टेन, क्या फाइव लेस देन टेन है? यहाँ पर हमें जो है बूलियन वैल्यू ट्रू आएगा, बिल्कुल, क्योंकि फाइव जो है वो लेस देन टेन है, तो फाइव लेस देन टेन है, तो इसका मतलब ट्रू आ गया। तो ये ट्रू आ गया हमारे पास, तो ये इफ की बॉडी, अब ये बॉडी इससे होती है, ब्रेस से स्टार्ट होती है और ब्रेस से बंद होती है। ब्रेस में जो होगी हमारे पास जो ब्रेसेस है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, तो कर्ली ब्रेस में जो यहाँ पे ये बॉडी है, तो ये बॉडी जो है यहाँ पे जो भी हम कोड लिखेंगे, एक लाइन, दो लाइन या दस लाइन, जितनी भी हमारे पास लाइन आप कोड होंगी, तो वो एग्जीक्यूट होंगी, ठीक है। तो ये ट्रू आ गया, जो ही ये ट्रू आ गया, ये हमें दिखा रहा है कंडीशन कि ये यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो भी यहाँ पे स्टेटमेंट्स ऑफ लाइंस ऑफ कोड होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फिर जब ये खत्म हो जाएगा, इसके बाद ये यहाँ पहुंचेगा और उसके बाद नेक्स्ट लाइंस जो है एग्जीक्यूट हो करेगा, ठीक है। तो ये तो ट्रू पे कंडीशन थी। देन वी हैव फॉल्स, यही एग्जाम्पल फिर से टेस्ट में फाइव है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है टेस्ट इफ, टेस्ट इफ टेस्ट ग्रेटर देन फाइव, फाइव ग्रेटर देन टेन, फाइव ग्रेटर देन टेन नहीं, ये फॉल्स है, फाइव तो दस से छोटा है, ग्रेटर देन टेन नहीं है। तो फाइव जो टेन से छोटा है, तो इसका मतलब ये जो लाइंस ऑफ कोड है, ये जो स्टेटमेंट है, जो बॉडी है, इफ की बॉडी जो थी हमारे पास, ये एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो सीधे ये दिखा रहा है जहां पे इसने दिखाया, कोड जो है यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो इसके इफ के बाद जो भी लाइंस ऑफ कोड होंगी, इफ के बाद यहाँ पे, ठीक है, इफ के बाद जितनी भी लाइंस ऑफ कोड हमारे पास होंगी वो वहां पे आ जाएगा। तो एक सिंपल सी यहाँ पे दिखा गया है कि हमारे पास इफ में एक टेस्ट कंडीशन होती है, ठीक है, उसका वैल्यू या ट्रू आता है या फॉल्स आता है। और ये भी याद रखना है, इफ में जो भी हम कंडीशन लिखेंगे वो एक बूलियन कंडीशन होनी चाहिए, वो जो एक्सप्रेशन होना चाहिए उसका जो रिजल्ट आना चाहिए वो बूलियन या ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर वो ट्रू आया, ठीक है, तो इफ के बाद जो इफ में जो बॉडी सेक्शन है, यानी कर्ल ब्रेस में जो बॉडी सेक्शन है उसकी, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगी। अगर फॉल्स आया, तो वो बॉडी सेक्शन जो इफ का है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो इग्नोर होगा। जैसे यहाँ पे फॉल्स है, तो सीधे यहाँ पे चला जाएगा, अगर यहाँ पे 10,000 लाइंस ऑफ कोड भी होंगी तो वो इग्नोर हो जाएंगी, वो एग्जीक्यूट, उन पे काम नहीं होगा, ठीक है। सो हियर वी हैव अ फ्लो डायग्राम, जो है फ्लो ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, कि प्रोग्राम कंडीशन कैसे करता है। ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है, अब ये यहाँ पे पहुंच गया कंडीशन में। तो कंडीशन जो है एक कंडीशन, इफ कंडीशन की, इफ में जो कंडीशन होती है, अगर वो ट्रू आ गई, तो इफ के बाद जो कोड लिखा है, इफ में जो हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट हो गया। देखो यहाँ पे ट्रू तो सीधे, लेकिन अगर ये फॉल्स आता है, तो जो देखो फॉल्स में क्या जाता है, इसके बाद, इस कोड के बाद ही चला जाता है यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर इफ, यानी इफ के बाद जो हमें करना है वो काम करेगा ये। तो ये भी ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर हमें, तो ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि क्या होगा इफ कंडीशन में। तो कंडीशन होगी, या तो उसका दो ही वैल्यू हो गया, ट्रू, अगर ट्रू है तो इफ के, इफ में जो कोड हमने लिखा है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स आता है, तो आफ्टर इफ, इफ के बाद जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, सिंपलेस्ट वे डिटरमाइन करना कि इफ में असल में हमारे पास क्या होता है, ठीक है। और दिस इज ऑल अबाउट इफ स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंडीशन स्टेटमेंट्स में पहला है इफ स्टेटमेंट, वी हैव अदर टाइप्स ऑफ कंडीशन स्टेटमेंट्स एज वेल, लाइक इफ एल्स, इफ एल्स लैडर एंड अदर एज वेल।